हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जाएंगे हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूलाज। केमिकल फॉर्मूलाज आप कैसे बना सकते हैं, आपके नाइन्थ क्लास के अंदर ये दिया हुआ है नाइन्थ क्लास में कि केमिकल फॉर्मूलाज आप कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं वो आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बहुत शानदार होने वाला है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है और चैनल को अपने सब्सक्राइब करना है। तो चलिए बात करते हैं कि केमिकल फॉर्मूलाज आप कैसे बना सकते हो और कुछ इजी टिप्स मैं आपको दूंगा जिससे आप आसानी से कोई भी जो केमिकल फॉर्मूला उसको बना सकते हैं। तो ये वाला जो है आपके पास में, ये केवल अप्लाई होता है किसके लिए, जो भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए। आपकी बुक के अंदर एक टेबल दे रखी है थर्ड चैप्टर के अंदर, उस टेबल में कुछ ऐसे दे रखे हैं आपको, जैसे सोडियम के ऊपर लिखा हुआ है प्लस वन, ठीक है, और ऐसे ही आपके कैल्शियम के ऊपर लिखा हुआ है प्लस टू, मैग्नीशियम पे देखोगे तो इस पे भी प्लस टू लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री लिखा हुआ है, आयरन पे प्लस टू लिखा हुआ है, और कॉपर की अगर बात करेंगे तो कॉपर पे प्लस टू लिखा हुआ है। ठीक है, कॉपर पे प्लस वन भी होता है, ठीक है ना। और जैसे अगर अपन बात करेंगे ऑक्सीजन पे लिखा हुआ है माइनस टू लिखा हुआ है, क्लोरीन पे लिखा हुआ माइनस वन, फ्लोरीन पे लिखा हुआ माइनस वन, और उसके अलावा बच्चों जो होता है कार्बोनेट जो होता है CO3 उसके ऊपर माइनस टू लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माइनस टू, ठीक है। अमोनियम अगर आप देखोगे तो अमोनियम पे प्लस वन लिखा हुआ है। तो इस तरह से कुछ जो है कंपाउंड्स लिखे हैं, कुछ आयन्स लिखे हुए हैं, इनको पॉजिटिव आयन्स बोलते हैं, इनको नेगेटिव आयन्स बोलते हैं। नेगेटिव आयन्स का मींस मतलब होता है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे कि नेगेटिव आयन का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं तो उसके ऊपर नेगेटिव आता है, किसी इलेक्ट्रॉन में से एटम इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर प्लस आता है, ठीक है ना। तो प्लस और माइनस मिलके और बनाते हैं आपका यानी कंपाउंड। जैसे अब इसका सबसे सिंपल अपन बात करेंगे NaCl कैसे बनता होगा। तो जो NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, इसको अपन बोलते हैं ये NaCl बना कैसे होगा। तो देखो जरा, NaCl के लिए सोडियम के ऊपर होता है प्लस वन और क्लोरीन के ऊपर होता है माइनस वन, एक प्लस का और एक माइनस का हमेशा साथ में रहेगा। अब अगर बात करेंगे इसका फॉर्मूला बना कैसे होगा, तो देखो इस वाले को तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सोडियम वाला आयन है वो तो क्लोरीन वाले आयन के नीचे आ जाएगा और क्लोरीन का आयन है वो सोडियम के नीचे आ जाएगा, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर सेम टाइप के नंबर दिए होते हैं ऊपर तो उसके बाद में आपको नीचे कुछ भी नहीं लगाना है, खाली सिंपल इनको लिख देना है। जैसे इसको अपन लिख सकते हैं NaCl, ये काम हो गया आपका और ये बन गया आपका सोडियम क्लोराइड। ऐसे अगर अपन HCl की बात करेंगे कि ये HCl कैसे बना होगा, तो HCl के लिए देखो बच्चों, HCl में होता है H प्लस का Cl माइनस का, देन वही बात आप दोनों को कंबाइन करके लिख दो तो बन जाएगा आपके पास में HCl, ठीक है। अभी देखो जैसे अपने को बनाना है H2SO4, क्या बनाना है? H2SO4 बनाना। अब इसमें देखो सल्फेट जो होता है ना बच्चों, सल्फेट आयन इसके ऊपर माइनस टू होता है, कितना होता है? माइनस टू। तो देखो जरा, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस वन आएगा और सल्फेट के ऊपर कितना आएगा? माइनस टू आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो बन जाएगा आपका H2SO4। वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई आपको किस तरह से आपका सल्फ्यूरिक एसिड बन गया है, H2SO4 बन गया है। मेरे को बनाना है कैल्शियम कार्बोनेट, तो ठीक है कोई बात नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं अपन। कैल्शियम के ऊपर होता है बच्चों प्लस टू और कार्बोनेट के ऊपर होता है बच्चों माइनस टू, तो दोनों मिलेंगे और बन जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। इस तरह से बहुत इजी ट्रिक से आप बना सकते हो। मैंने बताया था जब भी अगर सेम नंबर आते हैं देन तो उसको ऐसे कैसे लिख दो, देखो इस पे भी सेम नंबर आ रहे हैं तो आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कोई मतलब नहीं है, सेम नंबर जब आते हैं तो उसको डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख दो। अभी जैसे मेरे को आयरन ऑक्साइड बनाना है, Fe+3 होता है और ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा Fe2O3। मेरे को मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर -1 होता है, तो ये कंप्लीट -1 है, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो ये मिलके बन जाएगा बच्चों MgOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस तरह से कंस्ट्रक्ट होगा। आपको अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाना है तो देन K+OH-, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और बन जाएगा आपके पास में KOH।
तो ये है आपका कि किस प्रकार से आप जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड के जो फॉर्मूलेज हैं वो किस प्रकार से आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो हज़ारों ऐसे फॉर्मूलेज हैं जो आप इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनकी बैलेंस पता है। आपको ये जो टेबल दे रखी है आपकी बुक में थर्ड चैप्टर में, वो आपको ज़रूर याद करनी है। अगर वो आपको याद है बच्चों, तो आप इजीली इन जो केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें।